सो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है डेल की एक 27 इंच की मॉनिटर जिसका पूरा नाम है डेल 52721 SNM27। तो इस वाले मॉनिटर के बारे में हम बात करने वाले जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जिसके अंदर इल्यूजन सी वीडियो चल रही है, उस पर ध्यान मत देना, वो आपकी ध्यान खींचेगा। तो इसे अनबॉक्स करते वक्त इसी के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया सा मॉनिटर देखने के लिए मिलता है, एक इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलता है देखने के लिए साइड में, और एक स्टैंड भी मिलता है, एक ही मिलता है, HDMI केबल भी मिलता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलता है। और ये मॉनिटर डब्बे में तो बहुत बड़ा दिखता है एंड एक्चुअल लाइफ में भी बहुत बड़ा दिखता है। मैं आपको बता दूं कि आप जो इस वीडियो में देखोगे और एक्चुअल लाइफ में देखोगे तो मे बी ये डिफर करेगा, क्योंकि हाँ, एक्चुअल लाइफ में बहुत बड़ा सा दिखता है और वीडियो में बहुत छोटा सा दिखता है, जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे थे इससे पहले तो मुझे इतना पता चला। नाउ ये तो हमारी हो गई अनबॉक्सिंग की बात, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें HDMI कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है, LED बैकलिट LCD मॉनिटर है, तो इसमें LCD पैनल देखने के लिए मिलता है, 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल। अब ये क्या होता है, अगर आप मान लो अपने मॉनिटर से 2-3 फीट दूर हो, अपने साइड में है, तो आप फिर भी अपने मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे चल रही है, जो डिस्प्ले हो रहा है, आप उसे देख सकते हो। मतलब कि अगर आप कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मानो आप मूवी देख रहे हो और आपकी बेड थोड़ी सी दूर है, तो आप बेड पर से अपने मॉनिटर को इजीली देख पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको वॉल माउंट देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण आप अपने डिस्प्ले या फिर मॉनिटर को वॉल पे चिपका पाओगे और आराम से यूज कर पाओगे। ये 240 वोल्ट खाती है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी ये बिजली कंज्यूम करेगी, तो बिजली बिल बढ़ने वाला है आपका। इसका वेट तकरीबन 3444 ग्राम है, मतलब 3.5 किलो की ये आपकी जो मॉनिटर है ये काफी हैवी सी है, बट इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, जिसके कारण ज्यादा वेट फील नहीं होता। हालांकि गिरने के बाद फूटने की संभावना कितने हैं वो मुझे नहीं पता, तो इसको जरा आराम से सावधानी के साथ ही यूज करना। इसमें आपको टोटल 4 USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप अपनी चाहो तो अपने माउस को लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो, वेबकैम लगा सकते हो, या फिर अलग अलग कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे अपने मॉनिटर के साथ। इसमें आपको 90:20x1080 डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, जो कि फुल HD पे है, मतलब आपकी कंटेंट कंज्यूमिंग जो होगी वो क्वालिटी वाली होगी और काफी अच्छा आपका डिस्प्ले आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आप 4K का उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, बट हाँ, अगर आप 4K से नीचे आओगे बहुत बढ़िया कर पाओगे, जैसे कि 1440 आप बहुत बढ़िया कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे, कोई भी वीडियो, कोई भी YouTube पे वीडियोस, या फिर आप Netflix, या फिर आप कोई भी चीजों पे अगर देख रहे हो तो आप 440 पे आराम से देख पाओगे। इसमें आपको 4 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है, हाँ, अगर आपको सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, तो अगर आपका हार्डवेयर डैमेज होता है तो ये वारंटी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये रियल लाइफ में बहुत बड़ा दिखता है, अगर हम कंपेयर करें स्मार्टफोन में, अगर आप नहीं देख रहे हो इस वाली वीडियो को, या फिर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देख रहे हो, तो हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये एक्चुअली में ज्यादा बड़ी दिखेगी आप जो इस वीडियो में देख रहे हो। ये मैंने फील करा है, क्योंकि मैंने इसे देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में। अगर आप एक्चुअली में 27 इंच की मॉनिटर में ही इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो आई डोंट नो कैसा होगा, बट ये ज्यादा बड़ा फील होता है रियल लाइफ में। इसमें आपको बहुत बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस मिलेगा और कंटेंट कंज्यूमिंग आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। ये IPS LCD डिस्प्ले, तो आपको एडिटिंग में भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी इससे, जिससे आपको कलर्स एक्चुअल में दिखेंगे। जैसे अगर आप VR पैनल यूज करते हो तो उसमें लाल गुलाबी बन जाता है और पीला कुछ और बन जाता है, तो यहाँ पे आपको लाल लाल दिखेंगे और पीला पीला ही दिखेगा। इसमें आपको मोर व्यूइंग एंगल है, क्योंकि इसमें IPS LCD मिलता है, इसलिए आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक सा हो जाएगा, काफी बढ़िया सा हो जाएगा और आप बहुत मजे से गेम खेलोगे। इसका फ्रेमलेस डिजाइन आपको और ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो भी कोई डार्क वाले वीडियो, डार्क थीम कोई कंटेंट है, तो आपको बेजल दिखेंगे ही नहीं इसके बिल्कुल भी, जो इसको बेजललेस डिजाइन बनाता है। एंड इसकी प्राइस कितनी है, मात्र 12,599 रुपए, मतलब 12,500 रुपए में ये वाली मॉनिटर काफी किफायती और काफी बजट फ्रेंडली भी है। ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा अफोर्ड करने में, आप इसे इजिली अफोर्ड कर पाओगे और काफी इंजॉय कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। Thank you.